The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. तो दोस्तों, पहले हमने आपको ब्रोंकाइटिस के बारे में समझाया है, अब फिर से बता रहे हैं ब्रोंकियोलाइटिस क्या होता है। देखो, सांस की नली आपके गले से निकल के अंदर जाती है, एक मोटी नली, उसको टकिया बोलते हैं, जो यहाँ पे होती है। वहाँ से दो निकलती हैं मेन ब्रोंकस, ब्रोंकाई। तो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ब्रोंकाइटिस होता है, और उसके नीचे छोटी 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 आती जाती है, छोटी जाती है, आती जाती है, वो छोटी छोटी नलियाँ जो होती हैं उनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल एयरवे, जो पेड़ के टहने छोटे छोटे होते जाते हैं, वैसी ही सांस की नलियों के टहनी जब छोटी छोटी होती जाती हैं, उनकी छोटी छोटी नलियों को कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये छोटे छोटे स्मॉल एयरवेज हैं जो जाके लंग्स के एल्वियोलाई यानी गुब्बारों से जाके अटैच होती हैं, जहाँ के अंदर जो फूलते हैं और ऑक्सीजन लेके खून में डालते हैं, खून से कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसमें डाल के बाहर निकाल देते हैं। तो ब्रोंकियोलाइटिस का मतलब है इन छोटी छोटी नसों में इंफेक्शन हो जाना। ज्यादातर केसेस में ये वायरल होता है, पर सिर्फ वायरल नहीं होगा, ये एलर्जिक भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। टिपिकली लेकिन ज्यादा कॉमन केसेस ये विंटर सीजन में देखे जाते हैं, फ्लू सीजन में, जब वायरस इन्फेक्शन होता है। इसीलिए फ्लू सीजन, विंटर सीजन में आपको ध्यान रखना है कोल्ड वाले सिम्टम्स का, और साथ ही आपको लेना होगा आपके फ्लू शॉट्स, जैसा हमने बताया। सो ज़्यादातर ये कॉमन कोल्ड के जैसा शुरुआत होती है ब्रोंकियोलाइटिस, अगर वहाँ पे छोटी छोटी एयरवे का इन्फ्लामेशन हो गया और खांसी तक चला जाएगा, मैंने थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही है, थोड़ा थोड़ा ये, फिर खांसी आ सकती है, फिर वीजिंग हो सकती है, सांस की नली में आवाज़ हो सकती है, और कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। सबको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रह सकता है, कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक, एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन बोल नहीं सकते। सो अगर आपको रनिंग नोज है, स्टफी नोज है, कफ है, या स्लाइट फीवर है, तो ये पहले कुछ दिनों में बिल्कुल कोल्ड के जैसा महसूस होगा, और एक से दो हफ्ते में आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ सकती है, वीजिंग हो सकती है, बच्चा है तो सांस में आवाज आ सकती है। ऐसा कुछ हो रहा है तो डॉक्टर के पास आपको जाना है। अगर छोटा बच्चा है और वो अपने लेबर्ड ब्रीदिंग, ऐसा लग रहा है ब्रीदिंग के लिए ताकत लगा रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर 14 वीक्स के छोटा बच्चा है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर अगर उसको इतने छोटे बच्चे को लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाता है, इवन वायरल हो, तो वो दिक्कत हो सकती है। फिर बाकी के साइन देखे जाते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। नंबर वन देखा जाता है ऑडियोबल वीजिंग साउंड। ऑडिबल मतलब सुनने वाली वीजिंग साउंड, जो के सांस की आवाज़ सू सू ऐसी कोई आवाज़ आ रही है क्या, वीजिंग साउंड ऑडियोबल है क्या, सुन पा रहे हैं क्या, नंबर एक। नंबर दो, ब्रीदिंग अगर फास्ट है या नहीं, छोटे बच्चों में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टकीपनिया बोलते हैं इसको, टकीपनिया। ब्रीदिंग नॉर्मली सादा फास्ट है या नहीं, नॉर्मल बच्चे में देखा जाता है वेरी फास्ट ब्रीदिंग, यानी मोर देन 60 से ज़्यादा बार एक मिनट में ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा, तो बहुत दिक्कत है। ब्रीदिंग फास्ट होगी, शैलो होगी, फास्ट डीप फास्ट नहीं हो सकती, नोबडी कैन बी, शैलो ही होगी, ये ऐसी ऐसी भी होती है फास्ट ब्रीदिंग, फास्ट एंड शैलो ब्रीदिंग होती है। और दूसरी टाइप की होती है लेबर्ड ब्रीदिंग। लेबर्ड मतलब रिब्स की पूरी अंदर तक रिब्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिख रही हैं, लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही, सक हो रही है इनवर्ड्स बच्चों के केस में, तो लेबर्ड ब्रीदिंग भी दिक्कत वाले साइन है इसमें। स्लगिश या लिथार्जिक अपीयरेंस की, एकदम बेहोशी जैसा लग रहा है, उठाना पड़ रहा है, बच्चा हो या बड़ा हो उसमें, वो भी दिक्कत वाली चीज़ है। बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा है, या ब्रीदिंग ईटिंग, खाना खाते समय बहुत ज़्यादा तेज़ ब्रीदिंग हो रही है, तो भी ये एक साइन है कि दिक्कत, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, राइट, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। या फिर अगर मान लीजिए ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रही बॉडी, तो स्किन ब्लू होने लग सकती है, स्किन, आपके लिप्स, बच्चे के लिप्स और फिंगर नेल्स, साइनोसिस हो सकता है, ये चीज़ें। अल्टीमेटली हमें सोचना है कि ये बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। कारण एक वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन, सेकंड वायरल हो सकता है अगर, तो एलर्जिक भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है कुछ केसेस में।
अल्टीमेटली होता क्या है, इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकियोल जो छोटी छोटी सांस की नलें होती हैं उन नलियों के अंदर सूजन आ जाती है, नलियों के अंदर जो वो म्यूकस होता है, म्यूकस तो होता ही हर जगह, बिकॉज म्यूकस का काम है वहाँ से कचरा हटाते जाना, और वहाँ पे बाल भी होते हैं म्यूकस के अलावा, सीलियाँ होती हैं, सीलियाँ म्यूकस को बाहर की तरफ धकेलती रहती हैं ताकि जो भी डस्ट आए फंस जाए म्यूकस में और म्यूकस बाहर निकाले, बलगम आए हो, इसलिए बलगम आना इज गुड, बलगम को बंद नहीं करना होता है, बलगम इज गुड, पानी पीते रहो ताकि बलगम थोड़ा सा लाइट रहे, फंसे ना। वेल उसके अलावा अल्टीमेटली कहीं भी ब्रोंकियोल्स में या ब्रोंकस में इन्फेक्शन होगा तो बलगम बढ़ेगा, ब्रोंकियोल्स मोटे होते हैं तो सांस की नली खुली रहती है, ब्रोंकस मोटा होता है तो ब्रोंकियोल्स पतले पतले होते हैं तो बलगम गाढ़ी होगी, ज़्यादा होगी तो ब्रोंकियोल्स बंद हो जाएंगे, तो ऐसे कई सारे ब्रोंकियोल्स बंद हो जाएंगे तो एयर अंदर बाहर नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, दिक्कत होगी, राइट। ज़्यादातर केसेस ब्रोंकियोलाइटिस के सबसे कॉमन जो वायरस है वो है RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिटिवियल वायरस, RSV वायरस, मोस्ट वन ऑफ अ कोल्ड का वायरस है। 2 साल के नीचे ये इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को होता है 2 साल के नीचे की उम्र में एक ना एक बार, ठीक है, और इतना कॉमन है ये। और इसमें क्या है कि बार बार अगर री इन्फेक्ट हो रहा है तो प्रीवियस इन्फेक्शन जो है लास्ट सेकेंड इन्फेक्शन के लिए आपको इम्यूनिटी दे देगा, सेकेंड वाला इन्फेक्शन उतना गहरा नहीं होगा, उतना दिक्कत वाला नहीं होगा। बाकी के वायरसेस की वजह से भी ये हो सकता है, बाकी के 200 के आसपास फ्लू के वायरस, कॉमन कोल्ड के वायरसेस हैं उनकी वजह से हो सकता है, और इवन H1N1 के वजह से हो सकता है, सो स्वाइन फ्लू के वजह से हो सकता है, इसीलिए वैक्सीन लेना इज अ गुड आइडिया। एवरी ईयर वैक्सीन आती है, अब आ चुकी है, ले लीजिएगा। द वायरस कैन ऑल्सो कॉज ब्रोंकियोलाइटिस जो कि आपके दूसरी जगह पे स्प्रेड हो सकता है, जो वायरसेस आपको ब्रोंकियोलाइटिस कर सकते हैं आपने खांसी किया फैल जाएंगे, बिल्कुल कोरोना वायरस के जैसा, तो वो फैल सकते हैं, आपने एक को दिया 10 लोगों को दिया, इसलिए बच्चे जो एक साथ खेलते हैं एक साथ पढ़ते हैं उन लोगों को एक दूसरे को फैला देते हैं, सो बच्चे एक दूसरे को फैला देते हैं खांसी स्नीजिंग ये वो, इसलिए बच्चों के केस में आपको उनको हेल्दी हैबिट सिखानी है कि कहीं भी नाक को मुंह को हाथ ना लगाए, खांसी करे तो हैंकी में करे, हैंकरचिफ में करे, जितनी भी हमने बताई है, यूटेंसिल्स, टॉवल्स, टॉयज दूसरों की यूज़ ना करें, आँख नाक मुंह को हाथ ना लगाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। याद रखिए सबसे बेकार चीज़ होती है सीरियस हो जाना बीमारी की, बीमारी सीरियस होने के रिस्क, ज़्यादातर रिस्क किसको है, 2 साल से छोटे बच्चे, 3 महीने से छोटा बच्चा, इन दो में बहुत ज़्यादा रिस्क है। और किसको रिस्क होगा, अगर कोई बच्चा प्री मेच्योर बर्थ है, पहले बचपन में मान लो प्री मेच्योर बच्चा पैदा हो गया था समय से, 7 महीने में 8 महीने में पैदा हुआ, 9 महीने पूरे नहीं हुए, तो उसको थोड़ा रिस्क होता है कि इम्यूनिटी पूरी डेवलप नहीं होती है। मान लो किसी बच्चे का लंग या हार्ट अंडर डेवलप्ड है, लंग या हार्ट की बीमारी है, उसको ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। किसी बच्चे का इम्यून सिस्टम डिप्रेस है, कोई बच्चे को टोबैको स्मोक या पोल्यूशन से एक्सपोज हो रहे हैं गलती से, बेकार सिस्टम है कि भाई ट्रैफिक में ले जा रहे हो, माँ बाप में कोई और स्मोकिंग करते हैं उल्टे सीधे स्मोक से एक्सपोज हो रहे हैं, या फिर कोई बच्चा ब्रेस्ट फीड ही नहीं किया गया, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में कुछ इम्यूनिटी आ जाती है इसके खिलाफ, तो इम्यून बेनिफिट होता है क्योंकि मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो आ जाते हैं उनके अंदर, तो वो उनको 6 महीने तक बचा के रखते हैं। जो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे, जो ब्रेस्ट फीड करा ही नहीं रहे, उनके केस में फिर इम्यूनिटी और कम होती है और रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों जितने ज़्यादा ग्रुप में खेलते हैं रिस्क बढ़ जाता है, एक को भी होगा सबको फैला देगा, और क्राउडेड एनवायरनमेंट में रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर एक ही बच्चे, एक ही सिबलिंग्स आपके स्कूल में है, इसमें है, मतलब बेसिकली झुंड में बढ़ जाता है, सो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, सांस की नलियाँ बंद हो सकती हैं, ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तो नीले नीले पड़ सकते हैं हाथ पैर, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, एपनिया होगा, और बेबीज़ जो है लिटरली प्रीमेच्योर होंगी तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसी के साथ डिहाइड्रेशन हो सकता है, खाना पीना बंद कर सकते हैं बच्चे, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल्स बन सकते हैं, और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, और बच्चों को लिटरली हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, और वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन में भी पड़ जा सकता है। इसीलिए प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन वायरल की वजह से होता है, तो वायरल के खिलाफ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही होता है, प्रिवेंशन इज बेस्ट इन वायरल केस, चाहे कोरोना वायरस हो या ये वायरस हो चाहे कोई भी वायरस हो, प्रिवेंशन इज द बेस्ट। सो पर्सन टू पर्सन फैलता है तो अपना प्रिवेंशन करिए, लिमिट कॉन्टैक्ट विद पीपल हु हैव अ कोल्ड और फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीन एंड डिसइनफेक्ट ऑल द सर्फेसेज, जितने भी बच्चा बाहर से खेल रहा है, राइट, काफ
खांसी और स्नीजिंग करते हुए मुंह बंद रखे, मुंह को कवर करे हैंकी से और हैंकी फेंक दे। अगर ये इंपॉर्टेंट है, अगर हैंकी नहीं है तो हाथ में ही छींकना है, एल्बो में छींकिए और अपना खुद का पानी पीजिए, अपना खुद का गिलास लीजिए, गिलास से शेयर ना करिए। हैंड शेक करते हैं तो हैंड वॉश ज़्यादा करिए, और बच्चे छोटे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और खूंखार बात, सबसे ज़रूरी बात है, आप वैक्सीनेशन करिए। अलबत्ता RSV या राइनो वायरसेस जो सबसे कॉमन है, उनके जो दो कॉमन है ब्रोंकियोलाइटिस वाले, उनके लिए कोई वायरस कोई वैक्सीन नहीं है। हाउएवर एनुअल फ्लू वैक्सीन जो आपकी हर साल आती है वो ज़रूर लेनी है, बच्चे और 6 महीने से ऊपर और ओल्डर बड़ों से बड़ों तक उन सबको। बच्चों को वो RSV के लिए प्री मेच्योर जो बच्चे होते हैं उन लोगों को याद रखिए, कुछ मेडिकेशन दी जा सकती है अगर उनको लग रहा है कि RSV इन्फेक्शन है और प्री मेच्योर है, लंग की बीमारी पहले से, हार्ट की बीमारी है, इम्यूनिटी ख़राब हो रही है, तो फिर एक दवाई आती है जिसको कहते हैं पैलीवीजुमैब, जो कि फिर ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, प्रिवेंशन के लिए नहीं। प्रिवेंशन के लिए एक ही चीज़ है, वो वैक्सीन है, ठीक है। सो ये हुई सारी की सारी बातचीत आपकी इसकी RSV की। सो दैट इज ऑल अबाउट RSV, दैट इज ऑल अबाउट RSV कह रहा हूँ। ये ब्रोंकियोलाइटिस इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डाउट लग रहा है आपके बच्चे को या किसी को भी ऐसा कुछ भी इन्फेक्शन है तो जाके डॉक्टर को दिखाएं। ओके okay?